नमस्कार दोस्तों, तो आज एक नई ब्लॉग की दिन है और एक नई शानदार वीडियो की दिन है। तो चलिए मैं आपके साथ एक शानदार वीडियो पेश करूंगा और आपको दिखाऊंगा मैं कहां पर जाता हूं और क्या क्या करता हूं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा और सबको स्वागत है अंकुर दास ब्लॉग चैनल में। तो सब प्यार के साथ जुड़े रहे और मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आप सब, तो बहुत खुशी मिलता है इसमें। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और सबको दिखाएं। तो आज एक शानदार रेसिपी मैं इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वो भी देखिएगा और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off again. फ्रेंड्स, अभी मैं बाज़ार में पहुंच गए हूं। आप देखिए कितना शानदार नज़ारा, चमचमाती धूप खिले हुए है। और मैं सामने जाकर, यहां पर मछली की दुकान है, मछली खरीदूंगा वहाँ यहाँ से। और सामने जाऊंगा बाज़ार के अंदर, तो देखूंगा क्या क्या सब्ज़ी मिलता है। यहां पर आलू ले लूँगा, प्याज है और टमाटर भी है और ग्रीन चिलीज़ भी है, सब ले लूँगा। सब ले जाकर घर में जाकर आपके साथ एक स्पेशल वीडियो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज एक शानदार रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में और इस ब्लॉग में। तो देखिए क्या रेसिपी मैं शेयर कर रहा हूं, अभी आपको ले जाता हूं किचन में और दिखा रहा हूं, देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर जो फिश है इसको कहते हैं, तो इस फिश का नाम है भांगन बाटा। तो बहुत शानदार खाने में लगता है और स्वादिष्ट है बहुत। मैं आपको इसका रेसिपी आज इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा। तो देखते रहिए अंकुर दास ब्लॉग चैनल को और प्यार के साथ जुड़े रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे गोटा सरसों है यहाँ पर और ग्रीन चिली है, इसको मिक्सचर करना पड़ेगा। जो रेसिपी मैं आपको दिखाऊंगा उसमें देना पड़ेगा, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और क्या क्या करता हूँ सब देखिए। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको क्लोजअप शॉट दिखा रहा हूँ, अभी पेस्ट तैयार होकर रेडी हो गया। तो ये पेस्ट उस मछली के साथ जाएगा और ये पेस्ट देने से बहुत टेस्टी होगा। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए जो मछली मैंने आपको दिखाया था पहले, तो उस मछली में यहाँ पर जो हल्दी है और नमक एक साथ दे दिया गया है, अभी इसको मिक्स करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स कैसा मिक्स हो रहा है और पूरा प्रोसेस देखिए। पूरा मिक्स हो गया, देखिए कैसा लग रहा है। अभी कढ़ाई में तेल जा रहा है, देखिए। तो तेल गर्म होने के बाद मछली इसमें दे दूंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मछली तेल में जा चुका है और इसमें फ्राई हो रहा है, देखिए। अभी देखिए सब मछली फ्राई हो गया तेल में और कैसा लग रहा है। और अभी जो स्टेप दिखा रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। तो ये है काला जीरा, तो अभी इसको तेल में जाएगा, काला जीरा तेल में जा गया। और अभी जो है यहाँ पर जो सरसों का जो पेस्ट दिखाया था उसमें पानी दे दिया मैंने, थोड़ा सा पानी दे दिया यहाँ पर, और ये अभी तेल में जाएगा, देखिए। यही स्टेप आप फॉलो कीजिए और घर में बनाइए। तभी इसमें हल्दी जा रहा है, देखिए एक टेबलस्पून हल्दी जा रहा है। तभी इसमें नमक जा रहा है, देखिए नमक स्वाद अनुसार। तभी इसको ऐसे मिक्स करना पड़ेगा। तो देखिए अभी कैसा लग रहा है, और इसमें जाएगा अब मछली जो फ्राई हो चुका है, उस मछली को यहाँ पर दे रहे हो, देखिए। सब मछली दे दिया मैंने, अभी इसको कुछ देर धीमे आंच में रखना पड़ेगा। तो देखिए कैसा लग रहा है, सब कंप्लीट हो गया। अभी इसमें जाएगा रॉ मस्टर्ड ऑयल, देखिए। रॉ मस्टर्ड ऑयल देने के
साथ इसमें बोलता हूँ कैसा लग रहा है रॉ मस्टर्ड ऑयल देने के लिए, इसका स्वाद दुगना हो जाता है, खाने में बहुत टेस्ट आती है और बहुत अच्छा सुगंध आता है। तो यही स्टेप आप घर में ट्राई करिए, सब एक साथ देखिए कैसा लग रहा है और घर में खाइए। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। और आज जो मैं बाज़ार में गया था, जो जो ख़रीदा और घर में आकर जो आपको साथ रेसिपी शेयर किया, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। और मुझे बहुत सपोर्ट करना और ऐसे ही वीडियो शेयर करते रहना। तो मुलाकात होगी दूसरे दिन और कोई नई ब्लॉग के साथ। तो चलिए आज चलते हैं, फिर दूसरे दिन मुलाकात होगी आप सबके साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।